नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया
एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी।
और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु
भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं
जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है।
फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके
बॉक्स ऑफिस पर ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वो किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे।
इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियाँ हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों
आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया
एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी तो, और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी
तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु
भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नजर आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं
जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं, जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है।
फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके
बॉक्स ऑफिस पर ये हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वो किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे।
इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों
आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म्स के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और यह भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म्स के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी।
इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन से चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन से चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है।
मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो लाइका प्रोडक्शन जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो लाइका प्रोडक्शन जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी। इसका हिंदी भाषा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके
क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे,
कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नजर आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नजर आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव,
जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक
भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु, इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं। जुराम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर, उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी, और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा, और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा, और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस फिल्म रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का, उसका नाम है राम सेतु। जी हाँ, अक्षय कुमार की बेस्ट में से बेस्ट फिल्म राम सेतु का हम रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कमाई के बारे में जानेंगे, इस मूवी के कहानी के बारे में जानेंगे, इस मूवी में कौन कौन से स्टार कास्ट ने अपना रोल निभाया है, कौन कौन सा अभिनय किया है, और इसके पीछे की कहानी क्या है राम सेतु बनने का लेकर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यह किस भाषा में और किस तरीके से पब्लिश की गई है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, और इसके बॉक्स ऑफिस पर यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या राम सेतु मूवी जो है वह किस प्रकार से लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि और काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल रिव्यू की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु इसका अनुवाद होता है हिंदी मीनिंग राम का पुल। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म के मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आप इस मूवी में कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखोगे, कई सारी बेहतरीन चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं, क्योंकि राम सेतु भगवान राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु का निर्माण जो हुआ था उसके बारे में यह फिल्म आधारित है। उसकी खोज को लेकर उसके क्या क्या उसके पीछे की तथ्य है, कहानियां हैं, समुद्र से लेकर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो और ये भारत से शुरू होती है कहानी और अंत में जाकर ये आपको श्रीलंका तक जाने को देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फिर से भारत में दिखेगा और न्यायिक व्यवस्था भी इसे हकीकत मानती है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो कैफ ऑफ गुड्स फिल्म के द्वारा, अबुंदतिया एंटरटेनमेंट के द्वारा और प्राइम वीडियो, लाइका प्रोडक्शन, जी स्टूडियो, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज की गई थी इसका हिंदी भाषा।